हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 3 व्हील मिनी ट्रैक्टर होता है उसका इंजन का एयर क्लीनर है उसको कैसे साफ करें, उसके अंदर जो जो भी कचरा आता है उसको कैसे क्लीन करें, वो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा डिटेल से। और ताकि आपको कभी भी ट्रैक्टर का एयर क्लीनर साफ करना है तो आप आसानी से कर सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको खोलने के लिए दो लॉक होते हैं, एक लॉक ये वाला, एक लॉक ये वाला। तो ये लॉक को हम इससे ऐसे उठाएंगे तो इसके नीचे का पूरा डब्बा खुल जाएगा। डब्बा खोलने के बाद इसके अंदर लोहे की कंप्लीट जाली आती है, यही मेन फिल्टर है ये वाला। तो ये तो हमारे पास अभी तो क्या है कि नया है पूरा, तो इसके अंदर कोई कचरा बचरा नहीं होगा। लेकिन अब जब थोड़ा पुराना होगा, 1-2 महीना, तो इस जाली के अंदर पूरे के अंदर कचरा आ जाएगा, धूल मिट्टी इसके अंदर फंस जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको डीजल से इसको धो देना है, इसको चेंज नहीं करना है, यही वाला ही चलेगा। तो इसको डीजल से आपको धो देना है, डीजल से इसको कंप्लीट धोकर इसको क्लीन कर दो। इसको क्लीन करने के बाद इसके अंदर पूरी धूल मिट्टी भरी होती है, इधर भी मिट्टी भरी होती है, तो इसको भी डीजल से आपको धो देना है। धोकर इसके अंदर फिर क्या करना है आपको, धोने के बाद यहाँ जो आपको ये होल दिख रहा है, होल तक आपको ऑयल भर देना है, इधर तक। ज़्यादा वो ध्यान रखे कि ज़्यादा ऑयल नहीं पड़ना चाहिए, अगर ज़्यादा आपने ऑयल डाल दिया तो इंजन के अंदर वो जा सकता है और इंजन को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए आपको इसके जो होल दिख रहे हैं वहीं तक आपको ऑयल भरना है, उससे ज़्यादा नहीं भरना है, वो एक ध्यान रखना है। फिर इसको फिट करते टाइम इसको ऐसे कंप्लीट रख देना है। और मेन बात है इसकी ये जो रबर की जो रिंग है, रबर की रिंग, वो ऐसे इसके अंदर कंप्लीट बिठ जाना चाहिए, ऐसे कंप्लीट फिट हो जाना चाहिए, इसे कहीं बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना एयर यहाँ से ले लेगा तो इधर से मिट्टी डायरेक्ट अंदर इंजन के अंदर जाएगी। तो ये पूरा जो है वो बाहर निकल गई ऐसा कुछ है, तो इसको कंप्लीट इसके अंदर बिठा देना, बिठा कर इसको रख देना है। और इधर भी एक रबर की रिंग आती है, इसके साथ नहीं है तो इसके अंदर रह गई होगी, तो उसको हमें निकाल लेना है। और इसको अंदर कुछ धूल मिट्टी लगी है तो इसको साफ करना है, फिर इसके ऊपर लगा देना, हमें इसके ऊपर ऐसे हमें फिट कर देना है, ये जो ये कड है उसके ऊपर ऐसे में बिठा देना है, ठीक है। ये वाला डीजल से धो दिया, अंदर का डीजल से धो दिया, फिर ऐसे कम अंदर बिठा देना है। बिठाने के बाद इसको रिंग को बिठा देना है, ये बिठाने के बाद ये जो प्लास्टिक आता है, ये प्लास्टिक को भी अंदर साफ करना है, क्योंकि एयर जो लेता है इसके अंदर से, इधर से एयर लेता है, तो एयर लेकर ये प्लास्टिक के अंदर से होकर जाता है, तो उसको भी साफ करना पड़ेगा। तो इस नट को खोल देना है हमें, नट खोलने के बाद इसको ले लेना है। और इधर भी एक रबर का वाइसर आता है, रिंग आती है, तो टूटे नहीं और गिरे नहीं, ध्यान रखता है। इधर से इधर नीचे से आकर, इधर से आकर इसमें भी होकर जाती है, तो हमें खास ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी कुछ कचरा नया है, इसलिए इसमें कुछ कचरा नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके पास पुराना होगा तो उसमें कचरा आ जाएगा। तो इसके अंदर कचरा बचरा है तो इसको भी कपड़ा मारकर साफ कर दो, इसको इससे भी निकल जाएगा। इसके अंदर कुछ कचरा बचरा है तो इसके अंदर भी आप साफ कर सकते हैं कपड़ा लगा के। फिर इसको देखो, इसको लगाने के टाइम आप खास ध्यान रखना कि इसको ऐसे ही फिट करना है, ऐसे ही फिट करना है। ये वाला जो है वो नीचे ही आना चाहिए, ये ऊपर की ओर। कई बार क्या होता है कि कई लोग इसको ऐसे भी फिट कर देते हैं, उल्टा फिट करने के, ऐसे फिट कर दोगे तो अंदर एयर नहीं जाएगा, एयर नहीं जाएगा तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी।
इसलिए आपको ये खास ध्यान रखना है जब ये फिटिंग करे तब इसको ऐसे कम बिठा देना है। बिठाने के बाद इसको वापस फिट कर देना है सब होल मिला के। होल मिलाने के बाद इस नट को भी टाइट कर देना है और टाइट, फुल टाइट नहीं करना है, सिर्फ मीडियम टाइट कर देना है। ये घूमे नहीं ऐसे, इसको मीडियम टाइट कर दो। बाद में ये ऊपर वाला भी हो गया और नीचे वाला भी हो गया। अब एयरिंग और एयरिंग कंप्लीट बिठी है। बिठने के बाद इसको हमें मिला लेना है ऐसे ऐसे हिलाकर। देखो ऐसे कंप्लीट मिलने के बाद फिर लॉक लगाना है वरना रिंग टूट जाएगी। ऐसे एक कंप्लीट बिठ गया तो इसमें कोई ऐसा हार्ड काम नहीं है। एयर क्लीनर साफ करना एकदम सिंपल काम है, आप खुद कर सकते हैं। इंजन में जब आप ऑयल चेंज करें तब हर बार अगर ये फिल्टर को आपने साफ कर दिया तो आपका इंजन का लाइफ बढ़ जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा। तो जब जब आप इंजन का ऑयल चेंज करते हैं तब तब एयर क्लीनर आप साफ करें तो आपका इंजन के लिए सही रहेगा।